हाय, वेलकम टू फॉर्टेक। तो दोस्तों, आज की वीडियो कूलिंग टावर्स में है। कूलिंग टावर्स में मैं आपको बताऊंगा पावर प्लांट में इसका यूज़ कहाँ पे होता है, पावर प्लांट का जो प्रोसेस है जनरल मैं आपको वो बताऊंगा, और देन मैं आपको बताऊंगा कूलिंग टावर्स की क्लासिफिकेशन, और फिर मैं आपको कूलिंग टावर्स की ईच क्लासिफिकेशन को डिटेल के साथ एनिमेशन के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने पावर प्लांट को शो करवाया है। कूलिंग टावर्स जो कि यहाँ पे आपको सर्कल में नज़र आ रहे हैं, दो यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। दोस्तों, ये वाला नेचुरल डॉट कूलिंग टावर्स है, लेकिन सबसे पहले आपको पावर प्लांट के बारे में मैं आपको समझाऊँगा। दोस्तों, पावर प्लांट का ये प्रोसेस रैंकिन साइकिल के लाता है। रैंकिन साइकिल में हमारे पास बॉयलर है, टर्बाइन, कंडेंसर, और देन लास्ट पे जो है हमारे पास वाटर फीड पम्प होता है, और वाटर फीड पम्प के बाद हमारे पास फीड वाटर का टैंक होता है। दोस्तों, बॉयलर में जो फ्यूल यूज होता है वो नेचुरल गैस या फिर हाई स्पीड डीजल हो सकता है, डिपेंड करता है दोनों की कॉस्ट पे और अवेलेबिलिटी पर। बॉयलर में हम लोग फ्यूल को यूज़ करते हैं और उसकी स्टीम को जनरेट करते हैं, और फिर उस स्टीम को हम लोग टर्बाइन में यूटिलाइज करते हैं। लेकिन हमें इंश्योर करना होता है कि टर्बाइन में जाने से पहले जो स्टीम है उसमें कोई भी वाटर का ड्रॉपलेट ना हो। अगर वाटर का ड्रॉपलेट हुआ तो हमारी जो टर्बाइन है उसके ब्लेड पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। टर्बाइन में दोस्तों वो स्टीम को एक्सपैंड करता है और उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दोस्तों, टर्बाइन की वेस्ट स्टीम को हम लोग कंडेंसर में यूटिलाइज करते हैं। कंडेंसर के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है कूलिंग टावर का पर्पस। कूलिंग टावर में से जो पानी होता है हम लोग उसकी कंडेंसिंग ट्यूब में से वाटर की सर्कुलेशन करवाते हैं, और फिर उस ट्यूब में से उस ट्यूब की मदद से जो स्टीम होती है हम लोग उसको कंडेंस करते हैं और फिर पानी में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, फिर उस पानी को हम लोग फीड वाटर पम्प के थ्रू जो है हम लोग फीड वाटर टैंक में डालते हैं, और फिर फीड वाटर टैंक से वो ट्यूब्स के थ्रू जो है हमारी बॉयलर की जो HRSG सेक्शन होता है, जिसे हम लोग हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर कहते हैं, वहाँ पर सर्कुलेट करता है स्टीम को कंडेंस करने के लिए। तो दोस्तों, कूलिंग टावर जो है एक इक्विपमेंट है हीट रिजेक्शन का। इसमें वेपोरेशन का फिनोमेना टेक प्लेस होता है। बेसिकली ये कंडेंसर यूनिट की जो स्टीम है उसको पानी के थ्रू हम लोग ठंडा करते हैं। लेकिन अगर आप अपने कूलिंग सिस्टम को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपको इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अगर आप सिलेक्शन अच्छी करेंगे तो आपको आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छा काम करेगा और अच्छा एफिशिएंट होगा। वो आप कर सकते हैं कूलिंग टावर की सिलेक्शन करके। सिलेक्शन के लिए आपको क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन में दोस्तों हमारे पास कूलिंग टावर की तीन टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। पहली में हमारे पास आती है एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर, सेकेंड में हमारे पास आती है नेचुरल डॉट कूलिंग टावर, एंड देन लास्ट में जो हमारे पास होती है वो कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होती है। लेकिन मैकेनिकल ड्राफ्ट के आगे मजीद दो टाइप्स हैं, जो कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट होती है। चलिए दोस्तों, अब कूलिंग टावर्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। कूलिंग टावर्स की जो पहली टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे वो एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर्स होगी। ये इसकी पिक्चर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हॉट वाटर को हम लोग यहाँ से टॉप में ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद हम लोग वाटर को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंट चैनल्स पर डिवाइड करने का पर्पस ये होता है हम लोग इसके रिटेंशन टाइम को इंक्रीज करते हैं। फिर उसके बाद साइड से जो फिन्स है वहाँ पर एयर का कॉन्टैक्ट आ रहा होता है। दोस्तों, जैसे ही हॉट वाटर और एयर का कॉन्टैक्ट जो है वो डिफरेंट चैनल से होता है, तो हमारे पास वेपोरेशन का प्रोसेस होता है, और हॉट वाटर जो है वो टेम्परेचर रिड्यूस होकर कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इसका एक बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही लो ऑपरेशन कॉस्ट पे चलता है। दोस्तों, नेक्स्ट में हमारे पास नेचुरल डॉट कूलिंग टावर है। ये इसकी पिक्चर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी मैकेनिकल फैन बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, एयर जो एंटर होती है यहाँ पर वो साइड से होती है, और उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल हो तो हम लोगों ने उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर कूलिंग फैंस लगा रखी हैं। हॉट वाटर जो है वो एंटर होता है या फिर शावर होता है टॉप से होता है। जब हॉट वाटर टॉप से और जो एयर है वो साइड से एंटर होती है, तो आपस में दोनों का कॉन्टैक्ट होता है, और कॉन्टैक्ट के दौरान जो हीट एक्सचेंज होती है, और यूं वाटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ठंडा होकर यहाँ कोल्ड वाटर बेसन में आ जाता है, जो कि हमारे पास बॉटम में आपको नज़र आ रहा है, और जो हीट है वो यहाँ से टॉप से रिमूव हो जाती है। इसका एक एडवांटेज ये है कि इसकी भी ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो लो है। दोस्तों, नेक्स्ट में हमारे पास है मैकेनिकल कूलिंग टावर्स। दोस्तों, इसकी दो टाइप्स है, एक इंड्यूस ड्राफ्ट और दूसरा जो है फोर्स ड्राफ्ट। दोस्तों, दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है बिल्कुल सेम है, जो डिफरेंस है वो फैन की पोजीशन का है। लाइक के जो इंड्यूस ड्राफ्ट है उसमें जो फैन है यहाँ पर टॉप में लगा हुआ होता है, और जो फोर्स ड्राफ्ट है उसमें जो फैन है वो यहाँ पर साइड पर लगा हुआ होता है। दोस्तों, मैं आपको अब इसकी इंडस्ट्रियल पिक्चर दिखाता हूँ, जो कि आपको कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करेगी। तो जो कूलिंग टावर है इंड्यूस ड्राफ्ट में इस तरह का होता है, यहाँ पे टॉप में फैन लगा हुआ है, और यहाँ से हॉट वाटर की जो है वो पाइप है जो कि यहाँ पे शावर की जा रही है, और दूसरा जो है फोर्स ड्राफ्ट है, यहाँ पर जो फैन है वो साइड से आ रहा है, और जो हॉट वाटर है वो ऊपर से आ रहा है।
दोस्तों दोनों में जो डिफरेंस है वो एयर फ्लो पैटर्न का है, यानी कि एक में जो एयर का जो फ्लो पैटर्न है वो क्रॉस फ्लो में होता है, और जो दूसरे में है एयर का जो पैटर्न है वो काउंटर फ्लो पोजीशन में होता है। मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखाता हूँ, एनिमेशन से आपको क्लियर होगा। दोस्तों जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये इंड्यूस्ड और कूलिंग टावर्स की है, जो आपको यहाँ पर फैन की पोजीशन से नजर आ रहा है। फैन जो है यहाँ पर दो तरह के हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइप के और प्रोपेलर टाइप के। दोस्तों जो इसमें एयर का कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर साइड से हो रहा है, और जो वाटर की जो शावरिंग है वो टॉप साइड से हो रही है। दोस्तों ये दोनों क्रॉस फ्लो पैटर्न में है, जब भी दोनों आपस से मिलते हैं तो फिर एयर का और वाटर का कॉन्टैक्ट होते ही एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, और जो पानी जो है अपनी हीट एक्सचेंजर के यहाँ पर नीचे बेसिन में आ जाता है, जो कि यहाँ पर कोल्ड वाटर में मेंशन कर रखा है, और उसके बाद जो हीट होती है वो यहाँ पर टॉप से बाहर निकल जाती है। दोस्तों ये वाला जो पानी है यहाँ पर जब इसका लेवल कम हो जाता है तो हम लोग एक मेकिंग वाटर की लाइन रखते हैं, जो कि इस बेसन को या फिर इस टैंक को फिल रखने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें कॉन्टीन्यूसली जो है कंडेंसिंग यूनिट में पानी चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पर मेकिंग वाटर की लाइन रख लेते हैं। और जब जैसे ही यहाँ पर पानी का जो टैंक है वो फिलअप हो जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक आउटलेट का भी एक वाल्व दिया होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर पानी को ड्रेन कर देते हैं, जो कि हमारे यूज़ में नहीं होता। दोस्तों इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये इसमें जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कूलिंग टावर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और उसके सलूशन के बारे में बताऊंगा कि कूलिंग टावर्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसके हम लोग सलूशन में कौन से हम लोग केमिकल्स डालते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।